सेक्टर 14 में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि रहे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वृद्ध जनों की सेफ्टी के लिहाज से गुरुग्राम सबसे सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम निगम क्षेत्र में सीनियर सिटीजन क्लब बनाने के लिए सांसद निधि कोष से 16 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि हमारे बुजुर्गों का अनुभव हमारी युवा पीढ़ी व समाज को अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे में देश में तेजी से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों में हमें हमारे बुजुर्गों की मानसिक संवेदनाओं व उनके एकाकीपन को दूर करने पर विशेष ध्यान देना होगा। कार्यक्रम में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हम सभी को मिलकर ऐसे संयुक्त प्रयास करने होंगे जिससे हमारे भारतीय समाज का जो पारिवारिक ताना बाना है वो इसी प्रकार बना रहे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मंत्री जी ने हमारे को काफ़ी मदद का आश्वासन दिया है और लगता है कि अब गुड़गांव में जितने भी सीनियर सिटीज़न है उनका इन बातों से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और मैं समझता हूं कि अगर हमारे लिए जगह मिल जाएगी या क्लब बन जाएंगे तो और भी फायदा हो जाएगा। फोर्टीज़ का क्या योगदान है? फोर्टीज़ का योगदान है जी, वो हमारे को कैंप लगाते हैं, अपने डॉक्टर्स हमारे पास भेजते हैं और थोड़ा सा कंसेशन भी देते हैं, बट कुछ ज़्यादा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा। हम लोग फोर्टिस से हैं और हम लोगों ने फोर्टिस की तरफ से जो फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन फोरम है उनके साथ हम लोगों ने टाई अप करके आज एक सीनियर फर्स्ट कार्ड लॉन्च किया जो कि सीनियर सिटीजन के लिए होस्ट ऑफ बेनिफिट्स लेके आता है, जिसमें कि उनके लिए कंसल्टेशन के ऊपर अगर वो एक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए की जरूरत है जिसमें कि भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो उसके ऊपर उनको डिस्काउंट हम देंगे। ये हमारा दायित्व बनता है कि सीनियर सिटीजन को उनकी हेल्थ जर्नी में हम उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिला करते हैं।